of you, everyone, take out your maths book, composite mathematics. Open the page number 18. Write here CW and day. Today's date is 18/6/20. In last class, we learned the revision exercise. Okay, so today we also continue it. Number 4. Write the face value and place value of the encircle digit. यहाँ जो नंबर है 3 digit का नंबर है, 1s, 10s और 100, 3 digit का नंबर लिखा हुआ है. उसमें किसी भी डिजिट पे 1s, 10s या 100 किसी भी प्लेस के किसी भी डिजिट को सर्कल किया गया है, उसका फेस वैल्यू लिखना है और प्लेस वैल्यू भी लिखना है. प्लेस वैल्यू मीन्स कौन से प्लेस पे है 1s, 10s या 100, उस जगह उसकी वैल्यू क्या है ये लिखनी है. ओके, 195 नंबर 1 में टेंस की जगह जो 9 है उस पर सर्कल किया है, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, एज इट इज ऐसा 9 ही लिखेंगे. और प्लेस वैल्यू इज 9 tens, दैट मीन्स 9 multiplied by 10, 9 tens are 90, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 90. नेक्स्ट इज 203 पे सर्कल है जो 1s के प्लेस पे है, फेस वैल्यू 3 ही होगा और प्लेस वैल्यू 3 1s, दैट मीन्स 3 multiplied by 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, सो राइट हियर 3, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट 1s प्लेस इज 3. 500 टेंस के प्लेस पे जो 0 है उस पे सर्कल है, ठीक है, इसी का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताना है. फेस वैल्यू तो इसको 0 होगा और प्लेस वैल्यू 0 tens, दैट मीन्स 0 multiplied by 10 इज 0. 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड नंबर इन शॉर्ट फॉर्म. देखिए यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसे एक्सपेंड करके लिखा है, इसे हमें डिजिट में भी लिखना है एक्सपेंड ही करके और शॉर्ट करके भी लिखना है, ठीक है. नंबर 1, 500 प्लस 7 tens प्लस 4 1s. यहाँ लिखेंगे पहले डिजिट में लिखेंगे 500 प्लस 7 tens. 7 tens में क्या लिखेंगे, 70. 7 multiplied by 10, 7 tens are 70 प्लस 4 कितना होगा हमारा 574. सो राइट हियर 574. ओके, नेक्स्ट जो है सो आपका होमवर्क है, ये आप खुद ही करेंगे, खुद से करेंगे. ओके, नेक्स्ट, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच पेयर. यहाँ देखिए बहुत पेयर्स में नंबर दिए हुए, 2 नंबर दिए हुए हैं, 3 digit का 2 numbers है, उसे कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, जो ग्रेटर होगा उसे सर्कल करना है. कैसे कंपेयर करेंगे, पहले 100 के प्लेस पे, फिर 10s के प्लेस पे, फिर 1s के प्लेस पे, ठीक है. 100 के प्लेस पे अगर सेम रहेगा तो 10s पे देखेंगे, 10s में भी सेम होगा तो 1s के प्लेस पे देखेंगे, ठीक है. फिर हमें निकालना है कि कौन सा बड़ा है, जो ग्रेटर होगा उसे सर्कल करना है. 278 एंड 321, 100 के प्लेस पे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, विच वन इज ग्रेटर, 3. सो 321 इज ग्रेटर देन 278. सो कहाँ सर्कल करेंगे, 321 पे. नंबर 2, 145 एंड 142, 100 एंड 10s के प्लेस पे देखिए 1 एंड 4 है, तो हम लोग कहाँ कंपेयर करेंगे, 1s के प्लेस पे. 1s के प्लेस पे यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो 5 जो है ग्रेटर है 2 से, सो 145 इज ग्रेटर देन 142, तो 145 को सर्कल करेंगे. और इसके बाद नंबर 3 to नंबर 6 जो है वो आपका होमवर्क है, राइट हियर SW एंड सॉल्व इट. नेक्स्ट इज सर्कल द स्मॉलर नंबर इन ईच पेयर. यहाँ हम लोग ग्रेटर नंबर को सर्कल कर रहे थे, यहाँ हम लोग स्मॉलर नंबर को सर्कल करेंगे. नंबर 1, 454 एंड 425. 100 के प्लेस पे 4 है और 10s के प्लेस पे यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, विच वन इज स्मॉलर, 2. सो 425 इज स्मॉलर देन 454, तो इसे सर्कल करेंगे. नेक्स्ट 137 एंड 133. 100 और 10s दोनों के प्लेस पे जो है इक्वल डिजिट है 1 एंड 3, तो हम लोग 1s के प्लेस पे ही
से कंपेयर करेंगे. यहाँ 7 है और यहाँ 3 है. विच वन इज स्मॉलर? 3. सो 133 इज स्मॉलर देन 137. नेक्स्ट राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. यहाँ देखिए नंबर लिखा है 190. इसका प्लेस वैल्यू लिखना है. जो हमारे पास देखिए ये ऐसे ब्लैंक बना के रखा हुआ है. प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन वंस प्लेस. यहाँ भी देखिए 3 डिजिट है, वंस, टेंस एंड 100. वंस के प्लेस पे क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स 0. टेंस के प्लेस पे 9 है, 9 टेंस के प्लेस पे मल्टीप्लाई बाय 10, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 टेंस आर 90. 100 के प्लेस पे है 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100. ये आप लोग खुद से करेंगे. नंबर 9 राइट द नंबर्स. यहाँ वैल्यू लिखना था प्लेस वैल्यू, यहाँ प्लेस वैल्यू लिखना है और हमें ये नंबर इस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें नंबर यहाँ बनाना है. वंस के प्लेस पे क्या है? 5. और टेंस के प्लेस पे 70. क्या लिखेंगे? 7. और 100 के प्लेस पे ओनली 1. सो राइट हियर 1175. ओके, दिस वन इज योर होमवर्क. ओके, हैव अ नाइस टाइम.